अभी की बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया को मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से जमानत। आम आदमी पार्टी के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए और उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। 17 महीने से जेल में बंद, आपको बता दें कि 10 लाख रुपए की बेल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको अब 17 महीने बाद जमानत दे दी है। लगभग 15 मिनट तक फैसले के मुख्य अंश सुनाए गए। कोर्ट का कहना है कि जब तक ट्रायल शुरू नहीं होता तब तक हम किसी को ट्रायल शुरू करने के नाम पर जेल में बंद नहीं रख सकते। कोर्ट ने कहा ये स्थापित नियम है जिसमें जमानत का नियम है। देखिए, ये सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी, जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता? जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है, सर झुका के नमन है कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला, एक फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में, मनीष सिसोदिया जी के पक्ष में, और एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है, एक एक देशवासी, दिल्ली का नागरिक इस फैसले से खुश है। और सब ये मानते थे कि हमारे नेताओं के साथ जोर जबरदस्ती और जाति हुई है। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को अभी भी जेल में रखा है, सत्येन जैन जी को अभी भी जेल में रखा है। मैं उम्मीद करता हूं जल्दी उनको न्याय मिलेगा। प्रभु से प्रार्थना करता हूं जल्दी वो बाहर आएंगे। और आज ये जो फैसला आया है, मैं समझता हूं केंद्र की सरकार की तानाशाही पर एक जोरदार तमाचा है। इसी में आगे आतिशी मंच पर भाषण के दौरान रोने लगी। जेल में रखा गया, आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। मनीष सिसोदिया जी, और जिस दिन मनीष सिसोदिया जी की बेल हुई, आज उन्हीं के द्वारा एक स्कूल जिसका उनके द्वारा शिलान्यास हुआ था, आज उसका उद्घाटन हो रहा है। तो एक जोरदार जयकारा मनीष सिसोदिया जी के लिए लगाएंगे। मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया। देखिए, मनीष जी को जेल में क्यों डाला? मनीष जी को जेल में इसलिए डाला क्योंकि वो दिल्ली के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे। मनीष सिसोदिया जी को जेल में इसलिए डाला कि वो एक ऐसे शिक्षा मंत्री, एक ऐसे उप मुख्यमंत्री थे जिन्होंने दिल्ली का 25% बजट दिल्ली के बच्चों के नाम किया। मनीष सिसोदिया को जेल में क्यों डाला? क्योंकि वो एक ऐसे शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने दिल्ली के गरीब बच्चों का भविष्य बदल डाला। मनीष सिसोदिया को 26 अगस्त को न्यायिक हिरासत को पूरे 18 महीने हो जाते। उससे ठीक पहले 10 लाख रुपए भरने पर तुरंत रिहा करने का आदेश दे दिया गया। कोर्ट ने एजेंसियों के कार्य पर सवाल भी उठाया है और साथ ही ये भी कहा कि जिस तरह से डिले किया जा रहा है वो मनीष सिसोदिया की तरफ से नहीं बल्कि प्रक्रियागत किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के न्याय पर भी सवाल उठाए हैं।
बिल्कुल संजय जी, मैं मानता हूँ आज दिल्ली के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत राहत का दिन है। एक ऐसे मंत्री को भारतीय जनता पार्टी की साजिश के वजह से 17 महीने जेल में रहना पड़ा, जिसके बारे में इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया गया कि दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के बच्चों के लिए एक नई उम्मीद के तौर पे मनीष सिसोदिया जी ने काम करके दिखाया था। लेकिन क्योंकि एक साजिश थी, साजिश इसलिए थी कि लगातार 3 चुनाव विधानसभा में और अब की बार MCD में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हारी और भारतीय जनता पार्टी की यह बौखलाहट थी कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, इसी के तहत मनीष सिसोदिया जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, संजय सिंह जी को, सत्येंद्र जैन साहब को और बड़े बड़े नेताओं को हमारे को जेल भेजा गया और पार्टी तोड़ने की साजिश थी जिसमें वो आज विफल हुए। जिसमें एक चीज और कि आप केंद्र और एजेंसियों को की ओर इशारा करें, लेकिन लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब लोगों ने भी तो जमानत नहीं दी ना। अगर एजेंसियों की साजिश होती तो न्यायपालिका की निगाह के आगे तो देखिए संजय जी, मैं 36 साल से वकालत में हूँ, पहली बार ऐसे ऐसे फैसले नीचे की कोर्टों के हमने देखे जो इससे पहले हमने नहीं देखे। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि ये पूरी की पूरी तरीके से आज जो जजमेंट आया और जिस तरीके के उसमें रिमार्क्स हैं उससे सब क्लियर होता है कि ED ने कोर्ट में खड़े होकर ये कहा कि हमारी 5 या 6 महीने में इसकी ट्रायल कंप्लीट हो जाएगी, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जिसमें 400 से ज़्यादा गवाह हों, जिसमें हजारों हजार डॉक्यूमेंट्स हों, जिसकी ट्रायल अभी तक शुरू ना हुई हो, ऐसे केस के बारे में ये स्टेटमेंट ED दे कोर्ट में, तो ये झूठी थी। और ED और CBI इसको डिले करते करते यहाँ तक इतने टाइम लगा दिया। अब ट्रायल किस भी स्पीड से चले, इससे किसी को कोई लेना देना लगता है क्या? देखिए कुल मिला के उनकी साजिश ये थी, भारतीय जनता पार्टी का इशारा ये था, नरेंद्र मोदी जी की सोच ये थी कि आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए, जिसमें वो पूरी तरीके से विफल हुए हैं। बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे और आने वाले चुनाव में जो हरियाणा महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाला है और आने वाला दिल्ली का जो चुनाव है वो रिजल्ट बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिल्ली की जनता कितना रोष में है, कितनी गुस्से में है और अरविंद जी को कितना पसंद करती है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले मामले में जमानत दे दी गई है, बेल शर्त पर दी गई है, जिसमें उनका पासपोर्ट जमा कर लिया गया है और 10 लाख रुपए भी ले लिए गए हैं, जिसमें कोर्ट ने कहा कि जेल अपवाद है और बेल नियम। कोर्ट ने यह भी बोला कि हाई कोर्ट ने नियम को अनदेखा कर दिया। ये बात साफ तौर पर कही गई कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जांच पूरी हो गई तो ट्रायल डिले क्यों किया गया। इस पर और भी अन्य पार्टियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए मुझे मालूम नहीं है अभी तक कि किस ग्राउंड पे उनको दी गई है। निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला किया है तो सोच समझ के किया होगा और न्याय जो भी हो वो मिलना चाहिए जिसको भी हो। मैंने कहा कि अभी मेरे को ग्राउंड्स नहीं पता है किन ग्राउंड्स पे उनको मिली गई है, क्या कंडीशंस उनको रखी गई है, लिहाजा आई डोंट वांट टू कमेंट विदाउट नोइंग। बट सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला किया है बड़ी सोच समझ के किया होगा, ऑन मेरिट किया होगा, जो भी है देखिए पहले देखते हैं फिर उसके पश्चात कुछ ना कुछ। देखिए अभी जमानत मिली है, परी नहीं हुए हैं, अभी फैसला नहीं हुआ है, फैसला आने दीजिए, हमें फैसले का इंतज़ार रहेगा। हम शुरू से कहते आए हैं जो आदमी बेगुनाह है उसको बाहर होना चाहिए, लेकिन अगर कोई गुनहगार है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आज ये बेल मिलने का है, उसी का उत्सव बनाया जा रहा है, तो मुझसे मेरे समझ से परे है। लेकिन मैं चाहूँगा और मेरी पूरी उम्मीद है मनीष जी जो भी इन्वेस्टिगेशन हो उसमें सहयोग करेंगे। MPML कोर्ट में भी जा रहे थे, हाई कोर्ट भी जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे थे, बार बार रिजेक्ट हो रही थी। मेरे मानना है कि बेल एक साधारण एक प्रोसेस है जो कोर्ट ने उनको माना होगा, लेकिन उनको ये खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं है कि बेल मिल गई तो बरी हो गए। अभी केस चलेगा और अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री भी अंदर हैं, बहुत सारे अधिकारियों ने जो स्टेटमेंट दी है, उनके कुलीग ने जो स्टेटमेंट दी है, तो अब ये पढ़ना पड़ेगा कि बेल में उनको क्या कहा है क्या नहीं कहा। तो लेकिन यह उनको थोड़ी सी राहत जरूर है, लेकिन अभी भी वो कल्प्रिट है। इसी में आगे अब आतिशी ने मीडिया से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मनीष सिसोदिया जी 17 महीने जेल में रहने के बाद आज उनकी जमानत हुई है, ये सत्य की विजय है। ये दिखाता है कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। मनीष सिसोदिया जी को एक झूठे मुकदमे में फंसाया गया। मनीष सिसोदिया जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के बच्चों को शानदार भविष्य दिया।
मनीष सिसोदिया जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के बच्चों के हाथ की लकीर बदल डाली, उनका भविष्य बदल डाला, उनकी शिक्षा व्यवस्था बदल डाली। और आज हमें जो खुशी है मनीष जी को बेल मिलने पर, अब हम इंतजार कर रहे हैं कि इसी तरह से जल्द ही ये समय आएगा कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। दिल्ली के लोग अपने लोकप्रिय मनीष सिसोदिया जी का इंतजार कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है दिल्ली में कोई ऐसी माँ नहीं होगी जिसने अरविंद केजरीवाल जी के लिए आंसू ना बहाए। मुझे बहुत खुशी है कि मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली और मैं अब आशा करती हूँ कि दिल्ली सरकार को वो लीड करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वेल इंडिया।